हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी नीति। ये हमारा डेली क्विज फॉर यूपीएससी और आज है 3 मई 2017। तो हमारे आज के क्वेश्चन देखने से पहले देख लेते हैं हमारे आज के टॉपिक। देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है इज ऑन एरोट्रोपोलिश, आफ्टर दैट भीतकनिका, बक्सा एंड साइलेंट वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, आफ्टर दैट तरंग संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन 1 IP 2 डिस्पेंसरी स्कीम, आफ्टर दैट वॉल ऑफ वेलोर एंड लास्ट इज ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। तो सबसे पहले हमारे कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। हमने पहला क्वेश्चन पूछा था ड्यूअल गवर्नमेंट जो था बंगाल को, इसको किसने खत्म किया? तो इसका आंसर है बी, दैट इज वॉरन हेस्टिंग द्वारा यह खत्म कर दिया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एम्परर अशोका के जो एडिक्ट्स थे इनको किसने डिसेफर किया था? तो इसका आंसर है जी बी, दैट इज जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, तो इसके हमने आज वही आंसर्स यहाँ पे ऐड किए जिन्होंने दोनों आंसर्स करेक्ट दिए। देखिए, चरणजीत सिंह, देन गोविंद मिश्रा, संदीप संभ्याल, निशांत, देन अक्षया, रितु बजाज, सस्मिता साहो, पूजा चौहान, चित्रांगदा राजे, रीता दास एंड आयुषी गहलोत। ये आयुषी गहलोत मैम ने ये इसका बहुत ही अच्छे से आंसर दिया है पहला क्वेश्चन जो था इसका, और दूसरा तो क्वेश्चन तो जस्ट एक मीन्स फैक्चुअली था। सो इट्स अ गुड आंसर, थैंक यू सो मच मैम। एंड आज के भी आप लोग ऐसे ही आंसर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट एरोट्रोपोलिश एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये एक कॉन्सेप्ट है एरोट्रोपोलिश, इसके बारे में हम देखते हैं और ये कहाँ पे आने वाला है ये हमने क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एन एरोट्रोपोलिश इज एन एयरपोर्ट सेंट्रिक मेट्रोपोलिटन हब। ठीक है, एयरपोर्ट सेंट्रिक मेट्रोपोलिटन हब वेयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमी ऑल आर ऑल बेस्ड ऑन द एक्सेस टू द एयरपोर्ट विच सर्व्स एज अ कमर्शियल पॉइंट। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है, तो ये एयरपोर्ट, मतलब देखिए एरो और मेट्रोपोलिश ऐसे ही, एयरपोर्ट और मेट्रोपोलिश इनका ये कॉम्बिनेशन करके एरोट्रोपोलिश ये वर्ड बनाया गया है, और इसमें यहाँ पे मेट्रोपोलिटन हब भी होगा और जिसका मेन इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी इस पे ध्यान होगा। ठीक है, बेस्ड ऑन द एक्सेस टू द एयरपोर्ट विच सर्व्स एज कमर्शियल पॉइंट। ठीक है, एयरपोर्ट जो है वो एज अ कमर्शियल पॉइंट यूज करना, ऐसा ये इसके पीछे मकसद है एरोट्रोपोलिश के पीछे, ऐसा ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। एंड नेक्स्ट इज, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अ सिविल एविएशन हैज प्रपोज टू बिल्ड एन एरोट्रोपोलिश इन उत्तर प्रदेश विच वुड bring huge benefits to the region in terms of civil aviation and air connectivity. ठीक है, मतलब ये जो हमारी मिनिस्टर है सिविल एविएशन के, इन्होंने प्रपोज किया है कि ऐसा एरोट्रोपोलिस सबसे पहला जो है वो उत्तर प्रदेश में बनाया जाए, सो दैट सिविल एविएशन और एयर कनेक्टिविटी, ये सेंट्रल रीजन होने की वजह से यहाँ से बेनिफिट हो सकता है, ऐसा सेकेंड स्टेटमेंट है। तो इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट जो ये हमने जो अभी इसके एरोट्रोपोलिस के बारे में एक एक्सप्लेनेशन दिया था स्टेटमेंट देखते वक्त, तो ये बात सही है सभी, लेकिन ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में नहीं, ये आसाम में प्रपोज किया गया। ठीक है, आसाम में, याद रखिए, फर्स्ट एरोट्रोपोलिस हमारे देश का एरोट्रोपोलिस ये है आसाम में प्रपोज किया हुआ है। सो इसका सेकंड इनकरेक्ट है, इसका आंसर है ए, दैट इज वन ओनली। इसके बारे में एक छोटी सी न्यूज थी कि सेंटर ने कुछ एरोट्रोपोलिस आसाम में बनाने के लिए 2000 एकड़ इतनी जमीन जो है वो मतलब आसाम से चाहिए है। तो देखिए, एक बहुत ही भारी मात्रा में, एक मतलब बहुत ही वाइड रेंज पे ये जो मेट्रोपोलिटन हब, दैट इज एयरपोर्ट सेंट्रिक मेट्रोपोलिटन हब एरोट्रोपोलिश ये बनाए जाने की संभावना है, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन ये अगर हो गया तो देखिए, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है उसकी कनेक्टिविटी एक अच्छे मात्रा में बढ़ जाएगी, और साथ ही साथ उनको उस रीजन के डेवलपमेंट के लिए भी ये हेल्पफुल हो सकता है। तो देखिए, ये क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक आर ऑल बेस्ड ऑन द एक्सेस टू द एयरपोर्ट सर्विस एज अ कमर्शियल पॉइंट। ठीक है, कमर्शियल पॉइंट से ऐसे एयरपोर्ट को अच्छे से मतलब सर्व किया जा सके, इसलिए एरोट्रोपोलिस बनाया जा रहा है। ये सबसे पहले अभी प्रपोज किया है आसाम में, और आसाम के जो CM है सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने रिक्वेस्ट किए सिन्हा, जो हमारे मिनिस्टर है सिविल एविएशन मिनिस्टर, इनसे कि फॉर सेंडिंग सिविल एविएशन मिनिस्ट्री फॉर एरियल सर्वे ऑफ द एंटायर स्ट्रेच ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर फ्रॉम सदिया टू दी धुबरी। मतलब ये इस रीजन में होगा विद अ हेलीकॉप्टर टू आइडेंटिफाइंग द सुटेबल लोकेशंस टू सेटअप एयरपोर्ट्स इन द स्टेट। ऑलराइट, आई होप ये जो क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्ट है नहीं, ये हमने अच्छे से कवर कर ली होंगी। अब देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड। तो देखिए, इनमें से कौन सी करेक्टली मैच है, भीतरकनिका नेशनल पार्क ओडिशा, बक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क कर्नाटका। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो देखिए फर्स्ट और सेकंड जो है ये बात सही है, मतलब भीतरकनिका ओडिशा एंड बक्सा जो है वो वेस्ट बंगाल में, लेकिन साइलेंट वैली जो है वो कर्नाटका में। ठीक है, कर्नाटका में नहीं, केरला में। ठीक है, ये थर्ड इनकरेक्ट है, 1 और 2 जो है ये बात सही है। सो हमारा आंसर है बी, दैट इज 1 और 2 करेक्ट। तो ये तीनों जो है वो कुछ वजह से न्यूज़ में थे। देख लीजिए, भीतरकनिका क्यों न्यूज़ में, तो यहाँ पे इम्पोज कर दिया है रिस्ट्रिक्शंस टूरिस्ट को जाने के लिए 3 महीनों के लिए। ये एक छोटी सी न्यूज़ थी, न्यूज़ तो इतनी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इसका लोकेशन है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और एक बात इसके बारे में देख लीजिए, भीतरकनिका इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सेंचुरी ऑफ क्रोकोडाइल्स इन द रीजन विथ
इतने रेप्टाइल्स है यहाँ पे, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ पे बहुत ही अच्छी मात्रा में क्रोकोडाइल्स पाए जाते हैं भितरकनिका में। नेक्स्ट क्या है तो बक्सा टाइगर रिजर्व, ये क्यों न्यूज़ में है, तो यहाँ के 6 टाइगर जो है इनका रिलोकेशन होने वाला है, इसके बारे में हम अगले क्वेश्चन में देखते हैं। और साथ ही साथ साइलेंट वैली क्यों न्यूज़ में, तो ये जो मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे ऐसा फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाए जाने की एक प्रपोजल है, तो इस वजह से न्यूज़ में था। तो देखते हैं अभी, ये जो है वो कर्नाटका में, जैसा कि हमने कहा, ठीक है, कर्नाटक सॉरी केरला में, मैं गलती कर रहा हूँ 2 बार जी, केरला में, साइलेंट वैली केरला, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा थर्ड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये NTCA के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखिए फर्स्ट क्या है, द NTCA इज सेटअप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ठीक है, मतलब ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 वॉज अमेंडेड टू प्रोवाइड द कंसल्टेटिंग कॉन्स्टिट्यूटिंग द NTCA रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग द प्रोजेक्ट टाइगर प्लान टू प्रोटेक्ट एंडेंजर टाइगर। मतलब देखिए, सबसे पहले ये बनाने के लिए इस एक्ट में अमेंडमेंट कर दिया गया था, ऐसा ये बताया गया, और इस एक्ट के अमेंडमेंट करने के बाद, मतलब ये प्रोजेक्ट टाइगर जो है इसका इंप्लीमेंटेशन करने का काम NTCA के पास आया है, ऐसा बी स्टेटमेंट है, ठीक है, और हमें इनमें से कौन सा करेक्ट है ये बताना है। तो देखिए इसके दोनों स्टेटमेंट सही है, मतलब ये जो NTCA है ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ये इसके चेयरमैन होते हैं, ये बात सही है, और साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इसमें अमेंड करके ये बनाया गया था, ये भी सेकेंड स्टेटमेंट जो है ये भी सही है। सो इसके आंसर है सी, दैट इज बोथ करेक्ट। देखिए इसके बारे में न्यूज़ जो थी वो हमने पहले बता दी, 6 टाइगर जो है यहाँ से रिलोकेट होने वाले हैं, दैट इज फ्रॉम आसाम टू वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व में ये रिलोकेट होने वाले हैं। तो इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो सबसे पहले देखिए कि बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो ये है वेस्ट बंगाल में, जैसा कि हमने पहले कहा। और बाद में देखिए ये जो मतलब रिलोकेशन वगैरह ऐसी जो बातें होती, ये कौन करता है, टेक्निकल कमिटी ऑफ NTCA, ठीक है, NTCA की जो टेक्निकल कमिटी है, विच इज द हाईएस्ट बॉडी, हैज गिवन इट्स अप्रूवल फॉर द प्लान। मतलब ये जो प्लान है 6 टाइगर का रिलोकेशन करने का, इसके लिए ये प्लान, इस प्लान के लिए NTCA की टेक्निकल कमिटी, हाईएस्ट बॉडी है वो, इसने अपना अप्रूवल दे दिया, ये बात याद रखिए, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है अगर UPSC प्री में पूछा जाए तो। और बाकी NTCA के बारे में देख लेते, इट वॉज एस्टेब्लिश इन December 2005 फॉलोइंग अ रिकमेंडेशन ऑफ अ टाइगर टास्क फोर्स, और ये टाइगर टास्क फोर्स हमारे PM जो थे तब के, मनमोहन सिंह जी, इन्होंने बनाया था, ऑफ द इंडिया टू रीऑर्गेनाइज द मैनेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर को अच्छे से ऑर्गेनाइज रीऑर्गेनाइज हो सके, इसलिए NTCA बनाया गया था, ये इसका लोगो है, आप चाहे तो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, तरंग संचार वॉज इन न्यूज रिसेंटली, वॉट इज इट, तो ये तरंग संचार क्या है, ये ऐसा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए देखिए, इट इज अ न्यू रेडियो डेडिकेटेड टेक न्यूज, रेडियो डेडिकेटेड टेक न्यूज, ठीक है। नेक्स्ट इज, इट इज अ न्यू स्कीम लॉन्च टू केटर द कॉमन मैन फॉर नॉमिनल प्राइजेस टू ट्रैवल एयरपोर्ट रीजनली, ठीक है, एरोप्लेन से रीजनली ये करने के लिए ये बनाई गई है, ऐसा बी ऑप्शन है। नेक्स्ट इज, इट इज एन ऐप विच कैन बी यूज टू लोके टू गेट लोकेशन विदाउट यूजिंग GPS सर्विस, मतलब लोकेशन डिटेक्ट करने के लिए, अपना अपना खुद का लोकेशन डिटेक्ट करने के लिए विदाउट यूज ऑफ GPS सर्विस ये बनाया गया तरंग संचार, ऐसा सी स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज, इट इज अ वेब पोर्टल फॉर इन्फॉर्मेशन शेयरिंग ऑन मोबाइल टॉवर्स एंड EMF इमिशन कंप्लायंस, ठीक है, मतलब ये जो मोबाइल टॉवर्स के जो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है इसके बारे में ये वेब पोर्टल बनाया गया, ऐसा तरंग संचार, ऐसा डी स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर क्या है, तरंग संचार क्या है, तो ये इसका आंसर है डी, दैट इज इट इज अ वेब पोर्टल फॉर इंफॉर्मेशन शेयरिंग ऑन मोबाइल टॉवर्स एंड EMF इमिशन कंप्लायंस, ठीक है, ये बात याद रखिए अच्छे से, ये हेल्पफुल हो सकता है, तरंग संचार क्या है, ये एक वेब पोर्टल है। और ये क्यों बनाया गया, दैट इज देखिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम जो है इसने ये लॉन्च किया है तरंग संचार वेब पोर्टल। और देखिए हमारे यहाँ पे होता क्या है, तो हमारे यहाँ पे लोगों में ऐसे बिलीव्स होते हैं कि जो हमारे मोबाइल के जो टावर्स होते हैं ना, इससे कुछ इमिशंस आते हैं, EMF इमिशंस, तो ऐसा हमें लगता है, लेकिन इसके बारे में जो सिन्हा सर है इन्होंने बताया कि ओवर लगभग 25,000 से भी ज़्यादा स्टडीज WHO द्वारा पिछले 30 सालों में कर दी गई है और इसी सब्जेक्ट पे, एंड देयर इज नो प्रूफ दैट EMF रेडिएशंस हैज एनी हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, ठीक है, मतलब ये जो हमारे यहाँ पे मोबाइल टावर से इमिशन निकलते हैं ऐसी बात जो लगती है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, इन्होंने कह दिया है। और फिर भी अगर किसी को इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हो, देन द यूजर कैन गेट द टावर चेक द टावर और बेस स्टेशन चेक्ड फॉर द रेडिएशन इमिशन फॉर द फी ऑफ ₹4,000, मतलब किसी को अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो वो ₹4,000 पे करके ये जो रेडिएशन है इसके बारे में इंफॉर्मेशन पा सकता है। और देखिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, इंडियंस नॉर्म्स हैड प्रिस्क्राइब 10 टाइम्स स्ट्रिक्टर लिमिट फॉर द रेडिएशन इमिशन इन कंपेरिजन टू द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, मतलब हमारे यहाँ पे जो कोई भी ये मोबाइल टावर्स बनाने के लिए जो नॉर्म्स है वो
बाकी देश के मुकाबले 10 गुना ज्यादा स्ट्रिक्टर है, एंड ही सेड मोर मेजर्स आर बीइंग टेकन टू पिनलाइज द इरेजिंग एंटिटी, ठीक है, इरिंग एंटिटी। तो ये बात एक मेंस में भी हो सकता है क्योंकि कॉल ड्रॉप वगैरह इस बातों की वजह से, और साथ ही साथ ये मोबाइल टावर्स इस वजह से ये कंटिन्यूअसली न्यूज में है। तो देखिए इस पर कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आप भी पा सके तो देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 5th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट 1IP 2 Dispensary Scheme एंड विच ऑफ दीज आर करेक्ट। तो ये जो नई स्कीम है इसके बारे में कौन सा करेक्ट है ये हमें बताना है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, Employed State Insurance Corporation has given an option to insured person, that is IP, ये 1IP, to choose 2 dispensaries both for himself, ठीक है, both for self, ये 2 dispensaries दोनों खुद के लिए, ऐसा ये first option है। Next is, by introducing the concept of 1IP 2 dispensaries, IP, that is insured person, as well as their family members would now be able to get treatment from either of the dispensaries in case of emergency from ESI institution. मतलब अब ये 2 dispensaries हो गई है, मतलब एक आईपी, एक insured person और 2 dispensaries, तो इसके तहत खुद जो इंश्योर्ड पर्सन है वो और उसकी फैमिली मेंबर्स ये दोनों जो है वो ट्रीटमेंट पा सकेंगे, ऐसा ये सेकेंड ऑप्शन है। आई होप ये जो ऑप्शन है वो आपको समझ आ गए होंगे। देखिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ, क्या होता है, कंसीडर कीजिए कि अभी मैं हूँ, मैं बेंगलोर में अभी काम कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मेरी फैमिली जो है वो चेन्नई में है ना। तो देखिए क्या है कि मुझे, मैंने खुद के लिए तो इंश्योर कर लिया, लेकिन मेरी इस इंश्योरेंस के बदले मेरी फैमिली को कोई हेल्प नहीं हो रहा जो चेन्नई में है, ठीक है। तो अभी ये इस नई स्कीम के तहत 1IP 2 Dispensary Scheme के तहत क्या होगा, मैं खुद के लिए एक डिस्पेंसरी बैंगलोर में फिक्स कर दूंगा कि मुझे इस डिस्पेंसरी से मुझे ट्रीटमेंट चाहिए, और मैं अपनी फैमिली को चेन्नई की एक डिस्पेंसरी फाइनल कर दूंगा कि मेरी फैमिली को चेन्नई से एक डिस्पेंसरी से कोई ट्रीटमेंट चाहिए होगी। तो देखिए मतलब ये जो है ना, ये फर्स्ट स्टेटमेंट ये इनकरेक्ट है, दैट इज 2 dispensaries तो चूज कर सकते हैं लेकिन बोथ फॉर सेल्फ नहीं, एक खुद के लिए और दूसरी जो होगी वो फैमिली के लिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट इनकरेक्ट है, और दूसरा इसके तहत ये सही है कि अगर ये हो गया, मतलब अभी ये स्कीम के तहत आईपी एज वेल एज द फैमिली मेंबर्स वुड नाउ बी एबल टू गेट ट्रीटमेंट। देखिए जैसे कि हमने कहा कि मैं खुद से बैंगलोर में ले सकता हूँ और जो मेरी फैमिली है वो चेन्नई में इसके बारे में ट्रीटमेंट ले सकेगी, तो इसका सेकेंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट इनकरेक्ट है। सो हमारा आंसर है बी, दैट इज 2 only। तो इसके बारे में जो हमारे बंडारू दत्तात्रेय जो हमारे मिनिस्टर है, इन्होंने लॉन्च की है 1IP 2 Dispensary Scheme और साथ ही साथ आधार बेस्ड ऑनलाइन क्लेम सबमिशन, ये दोनों स्कीम इंटरनेशनल लेबर डे कब होता है, 1st May, ठीक है, ये बात याद रखिए, इस दिन ये हमने हमारी जो स्कीम है ये दोनों स्कीम लॉन्च कर दी है। और बाकी तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है नहीं, जो अभी हमने एक्सप्लेनेशन में बताया हमने स्कीम के बारे में तभी ये था। तो देखिए इस पे एक स्टैट है वो याद रखिए, एज ऑफ नाउ अराउंड 3 crore IPs आर कवर्ड अंडर द ESIC एंड टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज, दैट इज 1 LPS एंड देयर फैमिली मेंबर्स आर ओवर 12 crore, ठीक है, इतने लोगों के लिए ये स्कीम जो है वो हो सकती है, ऐसा ये स्टैट था। अब देखते हैं हमारा 6th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वॉल ऑफ वेलोर एंड विच ऑफ दीज आर करेक्ट। तो ये वॉल ऑफ वेलोर क्या है और इसके बारे में कौन से स्टेटमेंट सही है ये हमें बताना है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, पोर्ट्रेट्स ऑफ द परमवीर चक्रा डेकोरेटेड सोल्जर्स विल बी डिस्प्लेड एट द डेजिग्नेटेड प्लेसेस ऑन द एजुकेशनल कैंपस। मतलब ये जो वॉल ऑफ वेलोर है इसके तहत जो हमारे परमवीर चक्र विनर जो है इनके पोर्ट्रेट जो है वो एजुकेशनल कैंपसेस में लगाए जाएंगे, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज, दिस इज अ पार्ट ऑफ नेशनल वाइड विद्या वीरता अभियान। मतलब ये किस अभियान, मतलब कौन सी स्कीम के या फिर कौन से प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है, तो विद्या वीरता अभियान इसके तहत ये जो स्कीम वॉल ऑफ वेलोर जो है ये बनाई जा रही है, ऐसा सेकेंड स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज, द गवर्नमेंट हैड अलोकेटेड 100 crore फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कैंपेन। मतलब ये जो कैंपेन है वॉल ऑफ वेलोर इसके लिए गवर्नमेंट ने 100 crore रुपये इम्प्लीमेंटेशन के लिए अलोकेट किया, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है, देखिए इसका फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट सही है लेकिन थर्ड इनकरेक्ट है। थर्ड क्यों इनकरेक्ट, तो गवर्नमेंट ने ऐसा कोई भी एलोकेशन नहीं किया है, ये जो पूरे पैसे जो है ना ये लोगों की कंट्रीब्यूशन से ही होने वाले। देखिए गवर्नमेंट हैड नॉट एलोकेटेड एनी ग्रांट फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कैंपेन, ये बताया गया है। सो इसका थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, और हमने जानबूझकर मतलब 100 crore ऐसे ही बता दिया था कि ये हमें याद रखना है, इसलिए कि गवर्नमेंट ने इसके लिए कोई भी एलोकेशन नहीं किया, ये हमारे कंट्रीब्यूशन से, ये लोगों के कंट्रीब्यूशन से ये जो वॉल ऑफ वेलोर है ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में चलाया जाएगा, ठीक है। इसके बारे में हमारे जो मिनिस्टर है HRD मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी। और देखिए, पोर्ट्रेट्स ऑफ द परमवीर चक्र डेकोरेटेड सोल्जर्स विल बी डिस्प्लेड एट डेजिग्नेटेड प्लेसेस ऑन एजुकेशनल कैंपसेस टू इंस्टील द सेंस ऑफ नेशनलिज्म अमंग द स्टूडेंट्स। हमारे जो बच्चे हैं, जो जूनियर मतलब जो छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले, बाकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाले, इनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ानी है, इसके लिए ये जो
प्रोग्राम है वॉल ऑफ वैल्यूर, ये स्टार्ट किया हुआ है। और ऐसे ही पिछले दिनों भारत दर्शन ऐसा ही एक प्रोजेक्ट जो था वो भी लाया गया था, और इसके बारे में देख लेते हैं। परमवीर चक्र तो ये कब एस्टेब्लिश कर दिया गया था, 26 जनवरी 1950 में, और सबसे पहला अवार्ड दिया गया था ये उससे पहले, मतलब एस्टेब्लिश करने से पहले ही दिया गया था। और लास्ट जो अवार्ड दिया गया था ये कश्मीर हमारा वॉर हुआ था इसके बाद 6 जुलाई 1999 में दिया गया था। अब तक 21 लोगों को ये अवार्ड जो है वो मिल चुके हैं, ठीक है। और हमने भी जानबूझकर जो हमारे 21 जो ये वीर है परमवीर चक्र पाने वाले, इनका नाम यहाँ पे ऐड कर दिया है, सो दैट मतलब ये एजुकेशनल यहाँ पे हमें बताना है ना, जैसा कि हमने देखा वॉल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सो हमने भी जानबूझकर ये इनके नाम, हमारा भाई एक एजुकेशनल चैनल है तो बताने के लिए हमने ये नाम ऐड कर दिया, आप चाहे तो इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। एज पर द इंडियन प्रोटोकॉल हु अमंग द फॉलोइंग रैंक्स हाइएस्ट इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस जो होता है इसमें हाइएस्ट कौन है इनमें से, ये हमारा ऑप्शन क्वेश्चन है। देखिए ए ऑप्शन क्या है, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, डेप्यूटी पीएम, नेक्स्ट इज फॉर्मर प्रेसिडेंट, आफ्टर दैट गवर्नर ऑफ द स्टेट विद इन हिज स्टेट, एंड लास्ट इज स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो इसका आंसर क्या है, तो ये है जिनका हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता है वो है सी, दैट इज गवर्नर ऑफ द स्टेट विद इन हिज स्टेट, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है, विद इन हिज स्टेट, अगर आउट ऑफ द स्टेट हुआ है तो इनका रैंक 8 आता है, लेकिन अगर ये विद इन स्टेट है तो इनका रैंक जो है वो आई थिंक 3 या 4 कुछ तो आता है, ठीक है। आप चाहे तो इसके बारे में जो हमारी लक्ष्मीकांत की बुक है 4th एडिशन की, यहाँ पे appendix 3 में ही इसके बारे में पढ़ सकते हैं, इसके बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। और यूपीएससी इसके बारे में बहुत ही मतलब पहले समय में लगभग हर साल एक क्वेश्चन पूछता था, लेकिन अभी पिछले 2-3 सालों से तो कुछ क्वेश्चन नहीं है, हो सकता है इस बार कोई क्वेश्चन आ जाए, इस वजह से हमने ये क्वेश्चन ऐड कर दिया था। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंस क्या है, तो सबसे पहले विद इन स्टेट गवर्नर जो है ये सबसे पहले आते हैं, इसके बाद फॉर्मर प्रेसिडेंट, देन नेक्स्ट इज डेप्यूटी पीएम, और सबसे आखिर में आते हैं लोकसभा स्पीकर। तो आई होप फ्रेंड्स ये जो हमारे आज के क्वेश्चन थे वो आपको अच्छे लगे होंगे। तो देखते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन, इनका आप जवाब हमें कमेंट्स में दीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टर्म बायोलॉजिकल पासपोर्ट इज एसोसिएटेड विद, तो ये टर्म जो है बायोलॉजिकल पासपोर्ट ये किससे एसोसिएट होती है, तो ऑप्शन ए दिया गया है जेनेटिक प्रोफाइलिंग ऑफ द इंडिविजुअल, प्रोफाइलिंग ऑफ द इंडिविजुअल। नेक्स्ट इज एन एथलीट्स बायोलॉजिकल मार्कर फॉर डोपिंग टेस्ट, नेक्स्ट ऑप्शन इज बायोलॉजिकल मार्कर ऑफ द डिसीज पर्सन, एंड लास्ट इज अ मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर डायग्नोसिस ऑफ द फॉरेन हॉस्पिटल्स, ठीक है। तो ये आप देखिए बायोलॉजिकल पासपोर्ट जो है ये इनमें से कौन से बारे में आता है, मतलब किससे एसोसिएटेड है, और इसका जवाब हमें कमेंट्स में दीजिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विद रेफरेंस टू द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द मीडिएवल इंडिया द टर्म अरागट्टा, अरागट्टा रेफर्स टू, तो ये अरागट्टा स्कीम, अरागट्टा ये क्या है, बॉन्डेड लेबर, लैंड ग्रांट मेड टू द मिलिट्री ऑफिसर्स, नेक्स्ट इज वाटर व्हील यूज्ड टू द इरिगेशन ऑफ द लैंड, एंड नेक्स्ट इज वेस्ट लैंड कन्वर्टेड इनटू कल्टीवेटेड लैंड, ठीक है। तो ये अरागट्टा, अरागट्टा इसका मीनिंग क्या है ये आप हमें बताइए, और साथ ही साथ ये जो बायोलॉजिकल पासपोर्ट है ये किससे एसोसिएटेड है, ये इन दोनों क्वेश्चन के आप हमें कमेंट्स में जवाब दीजिए। तो ये थे हमारा आज का वीडियो, थैंक यू सो मच जी। और जो हमारी कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज़ है ये आज हमारे फ्रेंड कंडक्ट करने वाले, आप मैंने जैसा कि आपको कहा मेरी 2-3 दिनों से आवाज़ थोड़ी ख़राब है, सो ये मैं कंडक्ट नहीं कर पा रहा हूँ आज के लिए, तो प्लीज़ वो भी वीडियो अच्छे से देखिए और अपनी राय जो है वो हमें कमेंट्स में बताइए, और इन दोनों क्वेश्चन के आंसर भी हमें कमेंट्स में बताइए। थैंक यू सो मच, हैव अ हैप्पी वंडरफुल डे अहेड, कीप स्टडिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।